जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और राहुल गांधी अमेरिका गए। प्रधानमंत्री से ज्यादा तो ये विदेशी दौरे पर रहते हैं। आरटीआई के अनुसार 4 साल में 247 बार, औसत साल में 62 बार, महीने में 5 बार राहुल गांधी की अमेरिका जाते हुए और अमेरिका के एयरपोर्ट पर उतरने की तस्वीरें मिलेगी। अमेरिका में क्या किए, किससे मिले, कहां रुके, यह कभी पता नहीं चलेगा, न कोई तस्वीर मिलेगी। और ठीक ऐसा ही इनके हर विदेश यात्रा में होता है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी पर राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग वाली बात सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर में दिए गए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी के द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर लोगों में आक्रोश है। विरोध में हिंदू महासभा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महासभा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कांग्रेस सांसद के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में तहरीर देकर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दरअसल राहुल गांधी ने कश्मीर में एक जनसभा के दौरान वहां के एलजी को राजा बताया, साथ ही वहां की संपत्ति छीनकर बाहरियों को देने की बात कही है। कांग्रेस सांसद के इस बयान से हिंदूवादी संगठनों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने इसे असंवैधानिक बताया है, जिसके चलते शुक्रवार को हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर पुलिस उपायुक्त मध्य रवीना त्यागी को प्रार्थना पत्र देकर राहुल गांधी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। इसके साथ ही शिशिर चतुर्वेदी ने कहा, अगर 15 दिनों के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू महासभा आंदोलन करेगी। जिसके चलते शहर के हर मुख्य चौराहे पर राहुल गांधी के पुतले को टांग कर फांसी दी जाएगी। इसके अलावा कोर्ट में भी याचिका दायर करके इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की जाएगी। शिशिर ने बताया कि राहुल गांधी ने कश्मीर में अपने एक बयान के दौरान कहा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस करना होगा, क्योंकि सिर्फ आपका राज्य ही नहीं छीना गया है, बल्कि आपसे आपके अधिकार, आपकी संपत्ति, सब कुछ छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को संविधान दिया। शिशिर के मुताबिक राहुल ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा है, उसका नाम एलजी है, लेकिन वो राजा है जो आपकी संपत्ति आपसे छीनकर बाहर के लोगों को दे रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री पद पाने के लिए पिता की विरासत को कलंकित किया। पार्टी की विचारधारा छोड़कर छद्म धर्मनिरपेक्षता का बाना ओढ़कर अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिला और अब आगामी महाराष्ट्र चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए कभी शरद पवार तो कभी सोनिया गांधी के पैरों में गिर रहे हैं, पर कहीं से भी आश्वासन नहीं दिया गया है। जिस शरद पवार को अपनी डगमगाती नाम का मांझी बनाया था, उसी ने उन्हें धोखा दे दिया। कल ही शरद पवार ने खुलेआम घोषणा कर दी है कि महाराष्ट्र चुनाव में किसी को भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। बेचारे उद्धव ठाकरे की हालत पलिहरे के वानर जैसी हो गई, मतलब हतवों से गयल पतवों से भी गयल। परिवार की बनी बनाई प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई, सो अलग, भगवान किसी को भी ऐसे दिन न दिखाए। उद्धव ठाकरे अब बैठकर गाना गा रहे हैं कि मुझे रास्ता दिखाकर मेरे कारवा को लूटा। आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने पर अड़े उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के सामने सरेंडर कर दिया। पार्टी ने मान लिया है कि फेम मामले में कांग्रेस और शरद पवार उनकी नहीं सुनने वाले हैं, इसलिए उन्होंने सुर बदल लिया है। उद्धव ठाकरे के प्रमुख प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने अब कहा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री के नाम का फैसला लिया जाएगा। दरअसल महाविकास अघाड़ी के प्रमुख दल उद्धव सेना शुरू से ही इस बात को लेकर अड़ी थी कि चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। संजय राउत बार बार ऐसे बयान दे रहे थे कि चूंकि उद्धव ठाकरे को सरकार चलाने का अनुभव है और वे मुख्यमंत्री रहते हुए जनता में बहुत लोकप्रिय थे, इसलिए उनका चेहरा सामने कर चुनाव लड़ना चाहिए। इसका सबसे पहले शरद पवार ने विरोध किया। तब पवार ने कहा था कि चुनाव नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री के बारे में निर्णय लिया जाएगा।
शरद पवार के बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को मनाने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस से बात नहीं बन पाई तो उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार सहित दिल्ली पहुंच गए। वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी ही चेहरा रहेगा, चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री का निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस और शरद पवार की स्पष्ट भूमिका के बाद उद्धव सेना के सिपह सलार संजय राउत ने पवार के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि पवार बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुनाव परिणाम आने के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा, नतीजों के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। जनता के मन में जो चेहरा है जनता उसी को मुख्यमंत्री बनाएगी। पवार साहब की बात शत प्रतिशत ठीक है। महाराष्ट्र में तीन दलों का गठबंधन है और हम महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। हमारा सबसे पहला काम है महायुति के भ्रष्ट सरकार को हटाना और मुख्यमंत्री पद के बारे में कभी भी चर्चा कर सकते हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि एमवीए मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं लड़ रही है। सीट बंटवारे को लेकर जरूर एमवीए गठबंधन में खींचतान होगा ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गठबंधन टूट रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति को गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूद वक्फ संपत्तियों से अवगत कराया गया, जिसमें सड़क परिवहन एवं रेल मंत्रालयों से संबंधित भूमि पर उपस्थित संपत्तियां शामिल है। इस बैठक में शहरी मामलों एवं सड़क परिवहन विभाग के सचिव अनुराग जैन और रेलवे बोर्ड के सदस्य अवसंरचना अनिल कुमार खंडेलवाल तथा संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों ने प्रस्तुति दी। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी के कल्याण बैनर्जी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह समेत विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी बहस और झड़प भी हुई, जिसके कारण समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को हस्तक्षेप करना पड़ा। बताया तो यह भी जा रहा है कि बैठक में बिना मतलब फड़फड़ा रहे संजय सिंह को वहां से मुंह छुपाकर भागना पड़ा। मंत्रालयों ने तर्क दिया कि वक्फ संशोधन विधेयक से उन्हें सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने और विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया कि मौजूदा कानूनों में ऐसी स्थिति में चुनौती देने का प्रावधान है जब किसी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ के रूप में अधिसूचित किया गया है, जबकि सरकार तो यह कह रही है यदि वह ऐसी संपत्ति पर दावा करती है तो उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। विपक्षी दल के एक सदस्य ने कहा, तीनों मंत्रालयों ने बिना किसी विचार के केवल केंद्र सरकार के रुख का समर्थन किया है। शहरी मामलों के मंत्रालयों के अधिकारियों ने दिल्ली शहर के निर्माण के लिए 1911 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के बारे में समिति को जानकारी दी। संसदीय सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान उस समय तीखी बहस हुई जब शहरी मामलों के मंत्रालयों के अधिकारी ब्रिटिश प्रशासन द्वारा अपनाई गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर सदस्यों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति में विपक्ष के एक सदस्य ने दावा किया, कुछ सूचनाओं को दबाने की भी कोशिश की गई। संसदीय सूत्रों ने बताया कि द्रविड़ मुनेत्र कशगम द्रमुक के सदस्य ए राजा ने कहा कि 1913 में एक वक्फ कानून पारित किया गया था और शहरी मामलों के मंत्रालयों ने इसके बारे में प्रस्तुतिकरण में कोई जिक्र नहीं किया। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुति के अनुसार वक्फ बोर्ड ने 1970 और 1977 के बीच 138 संपत्तियों पर दावे किए जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नई दिल्ली के निर्माण के लिए अधिग्रहित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निर्माण के लिए कुल 311 वर्ग किलोमीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया और प्रभावित व्यक्तियों को उचित मुआवजा दिया गया। इस दावे का कुछ सदस्यों ने विरोध किया। समिति के सदस्य चाहते थे कि सरकार यह पता लगाए कि क्या दिल्ली में संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का दावा 1954 के वक्फ अधिनियम के निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद किया गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। बजरंग विनेश का कांग्रेस में जाना कोई संयोग नहीं बल्कि कांग्रेस की गंदी राजनीति का पर्दाफाश है। खिलाड़ियों की आड़ में सत्ता की चाल चली गई। हरियाणा के तीनों खिलाड़ी मनु भाकर, नीरज शर्मा, अमन सहरावत को कांग्रेस ने वही सम्मान क्यों नहीं दिया।
कांग्रेस का खेल अब बेनकाब, बोली बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा। आगे उन्होंने कहा, पहले दिन से साफ था कि कांग्रेस ही इस पूरे गंदे खेल की मास्टरमाइंड है। विनेश बजरंग के कांग्रेस में घुसते ही इस साजिश पर आखिरी ठप्पा लग गया है। सब कुछ सेट प्लान था, लड़कियों का इस्तेमाल कर राजनीति का घिनौना खेल खेला जा रहा था। कांग्रेस का मकसद शुरू से ही सत्ता की भूख थी, इंसाफ तो महज एक दिखावा था। ये ड्रामा अब पूरी तरह से नंगा हो गया है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को कांग्रेस में शामिल होते ही बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसकी जानकारी दी गई। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के पत्र में बताया गया कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने बजरंग पूनिया को ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी, यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा। पार्टी की तरफ से नई जिम्मेदारी मिलने पर बजरंग पूनिया ने पार्टी का आभार व्यक्त किया। बजरंग ने ट्वीट में लिखा, मैं, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल का धन्यवाद करना चाहूंगा। बजरंग ने आगे लिखा कि जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, मैं संकट से जूझ रहे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके संघर्षों का साथी बनने की कोशिश करूंगा और संगठन का सच्चा सिपाही बनकर काम करूंगा। जय किसान। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया महिला पहलवान विनेश फोगाट के साथ शुक्रवार को ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। पूर्व WFI प्रमुख और पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध में सबसे आगे रहने वाले ओलंपियन पहलवान बजरंग पूनिया ने राजनीतिक पारी शुरू कर दी है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बजरंग ने न डरने और न पीछे हटने का संकल्प व्यक्त किया। पूनिया ने कहा, कांग्रेस उनके कठिन समय में उनके साथ खड़ी है। बजरंग ने कहा कि हम कांग्रेस और देश को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। जिस दिन विनेश ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, उस दिन पूरा देश खुश था, लेकिन अगले दिन सब दुखी थे। उस समय एक IT सेल जश्न मना रहा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए Live TV न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कांग्रेस सरकार की रेवड़ी नीति के कारण राज्य आर्थिक संकट में है। विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने फ्री रेवड़ी के कई वादे किए थे। इन वादों पर बेहिसाब खर्च के कारण हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। हाल यह है कि राज्य के इतिहास में पहली बार 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स को पहली तारीख को सैलरी और पेंशन नहीं मिल पाई। राज्य पर लगभग 94,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज हो गया है। कांग्रेस सरकार इस राशि का भुगतान नहीं कर पा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद मान चुके हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे समय में जब राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और विधानसभा में आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है, मुख्यमंत्री सुक्खू चैन की नींद सो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि जब ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह विधानसभा में कांग्रेसी सरकार की ओर से पक्ष रख रहे थे, तब CM सुक्खू सो रहे थे। ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर CM सुक्खू पर तंज कस रहे हैं। वह इसे कांग्रेस के खटाखट मॉडल की हकीकत बताते हुए सुक्खू सरकार पर फटकार लगा रहे हैं। बात भारत की ने एक्स पर लिखा, चौंकाने वाली बात, आबाद हिमाचल बर्बाद हो गया। CM सो रहे हैं, सरकारी वेतन नहीं बांटा। CM सो रहे हैं, हिमाचल दिवालिया हो रहा। CM सो रहे हैं, युवाओं की बेरोजगारी बढ़ी। CM सो रहे हैं, विधानसभा में समाधान नहीं निकला क्योंकि CM सुक्खू सो रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर सदन के नियम 62 के अंतर्गत मुद्दा उठाया गया। सदन में कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह और कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा आमने सामने हुए। नियम के तहत भाजपा विधायक बलबीर वर्मा और कांग्रेस के विधायक हरीश जनारथा ने मस्जिद के अवैध रूप से बनने के कारण उत्पन्न हुए तनाव को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित किया। कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा ने कहा, 15 साल पहले मस्जिद के निर्माण कार्य किया गया, जमीन वक्फ बोर्ड की है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रहने वाले अधिकतर लोग ऊपरी शिमला से संबंध रखते हैं,
वहीं कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, सरकारी जमीन पर यह मस्जिद बनी है, सरकारी जमीन पर एंक्रोचमेंट की गई है। 2019 तक मस्जिद पर अवैध रूप से 4 मंजिल बन चुकी है। कैबिनेट मंत्री ने इस मामले में मिलीभगत होने के आरोप लगाए। मस्जिद की जमीन का मालिक का नाम हिमाचल सरकार के पास है। कैबिनेट मंत्री ने टेबल पर सारी कागजात रखे। हिमाचल में तहबाजारी केवल हिमाचल की ही हो, ऐसा कानून बनाया जाए। फिलहाल मामला नगर निगम के पास है। गलत नक्शा होने को लेकर नगर निगम कोर्ट में यह मामला चला रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।